सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। लाइक फादर को डायरेक्ट किया है लॉरेन मिलर ने, और जब भी ये कोई मूवी बनाती है तो अपने हस्बैंड सेथ रॉजन को जरूर लेती है, भले ही वो ही कोई छोटा रोल क्यों ना हो। क्यों? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। स्टोरी है क्रिस्टन बेल की, जिन्होंने रेचल हैमिल्टन का काम किया है मूवी में, और इनके डैड हैरी की, जिनका किरदार निभाया है केल्से ग्रामर ने। मूवी स्टार्ट होती है रेचल के वेडिंग सेरेमनी से, जहां पर उनकी शादी होने वाली है, मगर ये शादी के वक्त भी काम में बिजी होती हैं, और इसी की वजह से और बहुत सारे कारणों की वजह से इनके होने वाले हस्बैंड शादी से इनकार कर देते हैं। रेचल शॉक्ड है इस इंसिडेंट से, और तभी इन्हें पता चलता है कि इनके डैड, जिनसे ये कभी मिली नहीं 25 सालों में और जिनसे इनकी कभी जमती भी नहीं, बिन बुलाए इनके वेडिंग में आए थे। एनीवेज, रेचल के हालात देखकर रेचल के डैड रेचल से मिलते हैं। ये दोनों नशे में बहुत धुत हो जाते हैं और उस क्रूज शिप पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक्चुअली में रेचल की हनीमून की प्लानिंग थी। अब ये दोनों इस शिप पर फंस चुके हैं। अनटिल एंड अनलेस ये शिप कहीं पर स्टॉप ले, तब तक इन दोनों को एक दूसरे को ना चाहते हुए भी झेलना पड़ेगा। और इसके आगे वी ऑल नो व्हाट हैपेंस, इजंट इट? क्योंकि मोस्टली हमने काफी सारी ऐसी मूवीज देख ली है जहां पर किसी दो लोगों की जमती नहीं है, किसी कारण वो या तो कहीं पर फंस जाते हैं या फिर गलती से मिल जाते हैं, एंड सिचुएशन ऐसी बनती है कि उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, एंड देन थिंग्स टर्न्स आउट यू टू बी ओके बिटवीन देम। कुछ ऐसी स्टोरी थी इस मूवी की, जो कि अगेन कुछ नई नहीं थी। तो क्या रेचल का उनके डैड के साथ में रिलेशन ठीक हो पाएगा या नहीं, और इसके दौरान क्या क्या कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेंगे हमें इस मूवी में, यही स्टोरी है इस मूवी की। ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है जिसमें कॉमेडी का नामो निशान तक नहीं था। इनफैक्ट मेन कैरेक्टर्स को छोड़कर जो कि साइड कैरेक्टर्स थे, वो आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं कामयाब होते भी हैं, बट अगेन दे ऑल्सो टेरिबली फेल एट इट। सच कहूं तो ये मूवी एक कंप्लीट ड्रामा मूवी है, जहां पर दो लोग अपना रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एटलीस्ट मूवी में थोड़े इमोशंस होने चाहिए थे। हाँ, थोड़े बहुत थे, बट आई डोंट थिंक सो वो वर्थ इट था। आई मीन, आपने पूरी मूवी को ड्रामा मूवी बना दिया है कॉमेडी प्रेजेंट करने के बाद में, अगेन उसके अंदर इमोशंस की बहुत ही कमी लगी मुझे। रेचल इसमें एक कंपनी के लिए काम करती है जो कि लोगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, और कहीं ना कहीं रेचल इस कंपनी में काम कर रही है तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रही थी इस रोल में। आई मीन द रोल वॉजंट जस्ट सूटिंग हर एंटायरली। फॉरगेट अबाउट हर रोल, पूरी मूवी की स्टोरी भी मुझे काफी वीक लगी। आई मीन किस पॉइंट ऑफ टाइम में मूवी कहां पर जा रही थी ये कुछ समझ में नहीं आया। आई मीन लाइक मूवी स्टार्ट होती है जहां पर रेचल के हस्बैंड उनसे शादी नहीं करते, एंड टिल द एंटायर मूवी उनके बारे में कुछ दिखाया नहीं गया। आई मीन लाइक ऐसा हुआ जैसे कि हर मैरिज didn't mean anything. That was a little strange. So again, movie की कहानी कहां जा रही थी ये कुछ पता नहीं था, बट हाँ ये ऑलरेडी पता था कि इन दोनों का रिलेशन एंड में जाके ठीक तो हो जाएगा, बाकी सब चीजें भाड़ में जाए, मतलब रेचल की शादी भाड़ में जाए, रेचल के दोस्त भाड़ में जाए, इन दोनों का रिलेशन ठीक हो जाएगा, मूवी ये दिखा देगी, एंड दैट्स इट द एंड। सो द स्टोरी didn't make sense. Apart from a gigantic cruise ship, cool locations, some really good कोरियोग्राफी के अलावा ये मूवी आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं कर पाती। सो मेरे हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इस मूवी को ड्रॉप कर सकते हैं, बट चॉइस आपका है। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो आप ये मूवी जरूर दे सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4.5 out of 10। तो ये था हमारा मूवी रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।